बरेली में बेटी पर बुरी नीयत रखने वाले व्यक्ति को उसके ही पिता ने मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने आज घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उसकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद कर लिया है। थाना सिरौली क्षेत्र के गांव धोनेरा गौरी निवासी 25 वर्षीय सौरभ पुरी बीती 7 मार्च को गायब हो गया था, जिसकी सूचना थाना सिरौली में दी गई। बीती 8 मार्च को थाने में सौरभ पुरी की गुमशुदगी दर्ज की गई। बीती 13 मार्च को सौरभ पुरी का शव गाँव के करीब खेत में पड़ा मिला, जिसमें सौरभ पुरी का धड़ एक खेत में तो उसका सिर दूसरे खेत में छत विछत पड़ा हुआ मिला। पुलिस की पूछताछ और सीडीआर के अनुसार गांव के रहने वाले तेजपुरी पुत्र पुण्यपुरी का नाम प्रकाश में आया। तेजपुरी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि मृतक सौरभ पुरी उसकी बेटी पर गलत निगाह रखता था। घटना वाले दिन उसने सौरभ पुरी को खेत पर बुलाकर शराब पिलाई, जिसके बाद कहा सुनी हो गई और आवेश में आकर उसने फावड़े से उसकी हत्या कर दी। तेजपुरी की निशानदेही पर आला कत्ल, फावड़ा, मृतक का मोबाइल, लाठी, टॉर्च, मफलर और लोअर पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस ने मामले में आरोपी तेजपुरी को धारा 302 और 201 के तहत जेल भेज दिया है। थाना क्षेत्र सिरौली में 13 मार्च को एक व्यक्ति का सरकटा हुआ शव प्राप्त हुआ था और पास में ही उसका सर भी बरामद हुआ था, जिसकी पहचान सौरभपुरी ग्राम धनौरा गौरा के रूप में हुई थी, जिसकी गुमशुदगी 7 मार्च को थाने में पंजीकृत कराई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण करते हुए एक व्यक्ति तेजपुरी जो उन्हीं के ग्राम धनौरा गौरा का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है। उसके द्वारा जुर्म को इकबाल करते हुए हत्या में प्रयुक्त जो आला कत्ल फावड़ा है और जो मृतक का मोबाइल, लाठी और मफलर वगैरह है वो बरामद कराए हैं। उसने पूछताछ कर बताया है कि जो मृतक सौरभ है उसकी पुत्री पर गलत नीयत रखता था, जबकि उसने अपनी बेटी की शादी तय कर रखी थी। उसको हमने पूर्व में समझाया भी था किंतु वो नहीं मान रहा था, जिसके कारण उसको इस घटना को करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभी उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।